बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे। आज हम आपके साथ हैं क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस लेक्चर नंबर 7, जिसको हमने आगे डिस्कस करना है आज कि क्या है इसमें। ओके, आपका यूनिट नंबर 2 है, टॉपिक है आपका लेबोरेटरी डिसिप्लिन एंड सब टॉपिक आपके पास क्वेश्चन आंसर्स में आपको करवा रही थी लॉन्ग, वो है। लेट्स सी व्हाट इज़ द लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, डैट इज़ व्हाट इज़ बंसन बर्नर। बंसन बर्नर क्या है? आपने ये वर्ड सुना होगा, ये जो चीज़ है, अगर मैं आपको कंसेप्ट दूँ इसका थोड़ा सा पहले, बंसन बर्नर का क्या होता है? यूज़ लेबोरेटरी में होता है ज़्यादातर, तो इसी के बारे में पूछ रहे हैं व्हाट इज़ बंसन बर्नर, क्या चीज़ है बंसन बर्नर। सो डिस्कस करते हैं। द कॉमन सोर्स फॉर हीट इन लेबोरेटरी इज़ बंसन बर्नर। अगर हम बात करें तो लेबोरेटरी में अगर हीट किसी प्रोसेस से या किसी ऐसे ऑपरेटर से जाती है तो वो है हमारे पास बंसन बर्नर। द बंसन बर्नर मेक्स यूज़ ऑफ द मिक्सचर ऑफ फ्यूल गैस एंड एयर। बंसन बर्नर में क्या होता है? मिक्सचर होता है चीज़ों का, जिसमें फ्यूल गैस है, एयर है, इनका उसमें मिक्सचर होता है। विच वैन लाइटेड प्रोड्यूसेज अ हॉट फ्लेम। जिनको हम क्या करते हैं, जब जलाया जाता है तो एक हॉट फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, एक शोला प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए हीट चाहिए होगी तो आप जस्ट कोई मैच बॉक्स ये तो नहीं ना लेके जाएंगे लेबॉर्टरी में, आप इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। ओके, अब देखते हैं इन लेबॉर्टरी। बंसन बर्नर इज़ कनेक्टेड टू द गैस टैप बाय रबर ट्यूबिंग। एक होती है उसके साथ बनी हुई बंसन बर्नर की, मैं थोड़ी देर में आपको डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बना होता है साइड पे, जिससे आपने क्या करना होता है, गैस टैप उसे कहा जाता है, उसको हम करते हैं और फिर आपके जो है उसके अंदर बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। नियर द बेस ऑफ बर्नर इज़ अ मूवेबल मेटल पीस विच कंट्रोल्स। क्या करता है आपकी जो है मेटल पीस, वो होता है बेस के पास, जो क्या चीज़ कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ एयर को एंटर जो हो रही होती है होल के अंदर। आप इसमें डायग्राम में देखें, सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊँ बेस पे, तो आपके जो बेस पे राइट साइड पे अगर आप देखे हैं टू द गैस सोर्स, तो यहाँ से क्या होता है, गैस की सप्लाई होती है। अगर वहाँ पर आप देखें तो वो कॉलर है उसके ऊपर, यानी कि अगर हम उसी के ऊपर जाएँ तो वो आपके पास आ जाता है स्टॉप कॉक, जिसको हम लोग रबर ट्यूबिंग भी कहते हैं इसके हिसाब से। उसके बाद आपके पास आ जाता है कॉलर। ये चीज़ें आप डिस्कस करते हैं। फिर आते हैं हम दोबारा इसी स्लाइड की तरफ। द एयर गोज इन टू द बैरल वेयर इट मिक्सिस विद फ्यूल गैस कमिंग आउट फ्रॉम द जेट एट द बॉटम। वैन लाइटेड एट द टॉप ऑफ बैरल दिस मिक्सचर बर्न्स टू प्रोड्यूस अ फ्लेम। क्या होता है जब हम उसको जलाते हैं, बेसिक बात ये है कि आपका ना लेबॉर्टरी में हीट जानी है किसी प्रोसेस के ज़रिए, तो वो है बंसन बर्नर। आपने एक गैस टैप उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, वहाँ से आपको क्या जा रही, एयर जा रही है, और उसी के अंदर क्या होता है, फ्यूल होता है और एयर का जो है हम कह सकते हैं फ्यूल गैस का मिक्सचर होता है। उसमें क्या करना, आगे जाना फर्दर, और आपके पास रबर टबिंग होती है जिससे आपने कंट्रोल करना होता है अमाउंट को। फिर आपके ऊपर सबसे लास्ट पर उसके ज़रिए जाती है हीट, मतलब गैस जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक प्रोसेस बना होता है जहाँ पर उसने लाइटेड होना है और क्या होना है, आपके पास ज़बरदस्त तरीके से उसके अंदर फायर आपको जितनी चाहिए होगी वो उतनी आपको मिल जाएगी। दिस मिक्सचर बर्न्स टू प्रोड्यूस अ फ्लेम। ये मिक्सचर क्या करेगा, जलेगा ताकि आपको फ्लेम मिले, आपको शोला मिले। ओके, ये यहाँ पर हमारा जो है ये क्वेश्चन एंड होता है। तो अब हम आपने क्या करना है, वन टाइम इसको राइट करें और इसको लर्न करना अच्छे से। अपना ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।